नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज मैं एक 4440 डबल IC एम्पलीफायर बोर्ड को कनेक्शन करके दिखाएंगे। A to Z कनेक्शन करके दिखाएंगे आप लोगों को। इसका बैस टेबल का कनेक्शन, सारे के सारे कनेक्शन आपको हम करके दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये पुरानी बोर्ड है, तो इसमें बैस टेबल कनेक्शन अलग अलग से पिन करके नहीं दिए गए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट में बोर्ड मिल रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं TT BB, इसके मतलब स्टेबल और बास, इसके अलग अलग सेक्शन लिख के दी गई है, बोर्ड में ही प्रिंटेड है। लेकिन इसमें कोई प्रिंटेड नहीं है, फिर भी हम इसको कैसे कनेक्शन करने हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो इस तरह के बोर्ड को कैसे आप आसानी से कनेक्शन करेंगे, उसके हाल हम बता देंगे आपको। तो देखिए, इस जो बोर्ड है एम्पलीफायर का बोर्ड, इसमें आप लोगों को 2 PF और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो स्टेबल का कनेक्शन होगा। और जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो बैस का कनेक्शन होगा। तो अगर हम बोर्ड को ऐसे पकड़ेंगे, तो देखिए यहाँ जहाँ से IC का ग्राउंड शुरू होता है, हम वहाँ से काउंट करेंगे, तो 3 नंबर पिन, ये देखिए इसका 3 नंबर पिन, ये जो है ये 3 नंबर पिन है, और एक 5 नंबर पिन जो होता है, वो 5 नंबर और 3 नंबर पिन जो होता है स्पीकर के कनेक्शन होता है। तो देखिए मैंने गलत बोल दिया, उल्टा सीधा हो गया। तो देखिए 5 और 3 जो होता है वो स्पीकर के लिए होता है, और ये देखिए 13 नंबर जो पिन होता है वो IC के इनपुट के कनेक्शन होता है। ये देखिए ये IC का इनपुट का कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर मेरा 4 डायोड लगी हुई है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से आके AC 12 वोल्ट का कनेक्शन होगा। जहाँ पर 4 डायोड लगी हुई है, वहाँ पर AC जो 12 वोल्ट होता है ट्रांसफार्मर से आता निकल के आता है, तो उसका कनेक्शन होगा। उसके बाद ये जो 3 पिन देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे पिन हैं। तो ये जो पहला वाला 3 पिन है, ये मेरा स्टेबल का कनेक्शन है, ये 3 पिन मेरा स्टेबल का कनेक्शन है। उसके बाद जो कनेक्शन है 3 पिन का, और ये देखिए ये तीनों बेस का है, इसके बाद फिर ये स्टेबल, और इसके बाद फिर ये जो होता है बैस का कनेक्शन होता है। उसके बाद हम बैस टेबल सेक्शन में जो इनपुट का कनेक्शन होता है उसको देखते हैं। देखिए आउटपुट का जो कनेक्शन है वो, सॉरी ये देखिए ये जो है आउटपुट का कनेक्शन है, बैस टेबल सेक्शन से आउटपुट निकलेगा जो दो दो चैनल के लिए, तो देखिए वो वहाँ पर है। और इसके बाद इनपुट का कनेक्शन होगा बैस टेबल सेक्शन में, देखिए यहाँ पर एक इनपुट है और इधर के वाले यहाँ पर है। तो बैस टेबल सेक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों आप लोगों को दिखा दिया। तो इनपुट जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादातर इनपुट का कनेक्शन कंडेंसर से होके फिल्टर होके होता है, और यहाँ पर जो होता है तो दो रेजिस्टेंस के बाद होता है। और ये देखिए यहाँ पर IC का जो इनपुट कनेक्शन, दोनों IC का इनपुट कनेक्शन इधर होगा। अगर हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पिन होगा, और राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 13 नंबर पिन होगा। तो हम इसको सारे के सारे बैस टेबल का जो कनेक्शन होता है वो हम कर लेते हैं, वॉल्यूम को लगा लेते हैं। बैस टेबल सेक्शन को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 PF और एक रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसको स्टेबल बना देना, और जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो बैस का कनेक्शन होगा। तो हम जल्दी से जल्दी इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कनेक्शन है, ये मैंने रेड और 2 ब्लैक लेके रखा है, तो 2 ब्लैक दो साइड में होगा, रेड मिडिल में होगा। तो देखिए वॉल्यूम जो है, इसको तार को इधर उधर घुमाने का नहीं, जैसे के है जैसा है वैसे के कनेक्शन कर देना है। तो अगर देखिए ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ऐसे कनेक्शन होगा, इन तीनों पिनों के साथ ऐसे ही कनेक्शन होगा। इसके वायर को इधर उधर घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कनेक्शन कर देंगे तो सही से चल जाएगा। तो हम कनेक्शन कर देते हैं। तो जैसे कि बताया आप लोगों को, बैस टेबल पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। जहाँ पर आप लोग 2 PF और एक रेजिस्टेंस देखेंगे उसको स्टेबल बना देना, और जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो है बैस का कनेक्शन। तो बैस टेबल कनेक्शन करके लेने के लिए यही सबसे आसान तरीका है। और जो इस बैस टेबल सेक्शन में जो इनपुट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोगों को कंडेंसर के
जो कंडेंसर, छोटा छोटा कंडेंसर दी जाती है इसमें बेस और स्टेबल सेक्शन में, तो वहाँ से कनेक्शन होता है ऑडियो इनपुट के लिए बेस स्टेबल सेक्शन का। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, तो आप लोग वीडियो को जब देख रहे हो तो एक लाइक कर देना, लाइक करने से मेरे वीडियो को बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए एक के बाद एक हम कनेक्शन कर लेते हैं, तो हम सारे के सारे कनेक्शन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर देंगे। तो देखिए वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए इसके हम ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए हमारा बेस स्टेबल का कनेक्शन पूरा हो गया। तो मैंने अभी तक बेस और स्टेबल के लिए जो वॉल्यूम को यूज़ किया है वो 100K का है और सिंगल वॉल्यूम है। तो देखिए ये मैंने वॉल्यूम के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ ये 100K का है, लेकिन डुअल वॉल्यूम है, ये दोनों चैनल के लिए काम करेगा, तो इसलिए डुअल वॉल्यूम को मैंने सिलेक्ट किया है। तो वॉल्यूम का जो दो लास्ट के दो पिन है वो हमने आपस में सेट कर लिया, क्योंकि ये ग्राउंड का कनेक्शन होगा, तो इसको हम ग्राउंड में जोड़ लेते हैं। बोर्ड में ग्राउंड को आपको ढूंढना है, तो ग्राउंड के ढूंढने के बाद इसके ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देना है। तो देखिए मैंने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दिया। इसके बाद हमें जो करना है वो आईसी के जो इनपुट का कनेक्शन है उसका कनेक्शन करना है। तो देखिए ये इस आईसी का जो इनपुट का कनेक्शन है तो इधर है, इधर से हम वॉल्यूम का मिडिल में जोड़ेंगे। तो देखिए इस तार को हम वॉल्यूम के जो मिडिल का पॉइंट है उसमें हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको मिडिल में कनेक्शन कर दिया, और एक तार लेना है उसको भी ऐसे ही कनेक्शन करना है जैसे इस तार को किया है। तो देखिए तो इसको हम इस आईसी का इनपुट का जो कनेक्शन है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको भी वॉल्यूम के जो मिडिल होता है, मिडिल वाला पॉइंट होता है उसमें हम कर दिया। तो देखिए कैसे हमने कनेक्ट किया, और ये देखिए जो ब्लैक वायर आप लोगों को दिख रहा है ये ग्राउंड के कनेक्शन होता है, वॉल्यूम में जो ग्राउंड चाहिए तो उस ग्राउंड का कनेक्शन होता है। अब हमें और दो कनेक्शन करना है। ये देखिए जो बेस टेबल का जो आउटपुट का कनेक्शन होता है, ये देखिए ये बेस टेबल सेक्शन से जो आउटपुट निकलता है उसका कनेक्शन हम वॉल्यूम में करेंगे। तो वॉल्यूम में देखिए दो पिन और खाली रह गया, तो उस खाली पिन में जो बाकी रह गया था उस पिन में हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तार को हम भी जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए इसको इसके पहले वाला पिन में वॉल्यूम के, और उसको भी उस तरफ की पहली वाली पिन में हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा वॉल्यूम और बेस टेबल का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। जितनी सारे बेस टेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन थे सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे दो पीएफ और एक रेजिस्टेंस है, तो ये स्टेबल है, और इसके बाजू में जो तीन रेजिस्टेंस है वो बेस का है। तो देखिए ये स्टेबल का कनेक्शन है और ये बेस का है, ये तीन वाला जो रेजिस्टेंस है तो ये बेस का है, ऐसे ही इधर का भी सेम है। तो इसको हम स्पीकर के कनेक्शन जोड़ना बाकी है, और ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसको जोड़ना बाकी है, तो उसको हम जोड़ लेते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो हम स्पीकर के जो कनेक्शन है, स्पीकर के कनेक्शन को हम जोड़ लेंगे, और इसमें इनपुट देना बाकी है तो इनपुट को भी हम दे देते हैं। तो देखिए जो ये इस पैनल से हम इनपुट लेंगे, देखिए यहाँ पर एक इनपुट, और इसके जो मिडिल के जो तार है तो ये ग्राउंड है, तो इसको हम ग्राउंड में शॉर्ट कर लेंगे, ग्राउंड दे दिया। इसके बाद इधर का जो बेस टेबल सेक्शन का जो इनपुट है इसको भी हम लगा लेते हैं। तो मैंने बेस टेबल सेक्शन के इनपुट को भी कनेक्ट कर लिया, अब स्पीकर को कनेक्ट करना बाकी है। तो देखिए स्पीकर के जो कनेक्शन होता है, ये जो 3 और 5 नंबर पिन होता है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए ये 3 हो गया और 5 पहले ही मैंने कर दिया, एक स्पीकर का कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया और एक स्पीकर के कनेक्शन को हमें करना है। तो देखिए हम इस और एक तार को ले लेते हैं, ये जो ब्लैक और रेड वायर हम यूज़ कर रहे हैं ये स्पीकर के आउटपुट के लिए है।
तो इसको हम जल्दी से जल्दी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है 5 नंबर पिन, और 3 नंबर पिन में हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा स्पीकर के लिए कनेक्शन होता है। तो हमने सारे के सारे कनेक्शन कर लिया, अब ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करना बाकी रह गया। तो मेरे पास अभी बड़ा वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, तो छोटा सा ट्रांसफार्मर से ही काम चलाना पड़ेगा। टेस्टिंग करने के लिए यही काफ़ी है। तो देखिए, हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, वहाँ पर डायोड सेक्शन में कनेक्शन कर लेते हैं, जहाँ पर 4 डायोड लगी हुई है वहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसको जोड़ लिया, अब इसको चेक करने के बारी आया है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। Thank you.